नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के खैरलांजी से। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन का सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम, वरना 22 से की जाएगी कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा संगठन ब्लॉक खैरलांजी द्वारा सोमवार 19 जुलाई को एक बैठक आयोजित कर सीईओ श्रुति चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। सभी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी 2 दिनों में उनकी मांगों पर उनके प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो सभी अधिकारी कर्मचारी 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। सच अधिक के संयुक्त मोर्चा का अभी गठन हुआ है आज ही, और उसका मुझे नेतृत्व दिया गया है अध्यक्ष के रूप में। मैं बता देना चाहता हूँ, कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जो रात दिन काम करके सरकार को अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार के पास हमारी कई वर्षों से मांगे लंबित हैं। हमारे रोजगार सहायक भाई हैं, इनकी 9,000 रुपये वेतन मिल रही है, मानदेय के रूप में मिल रहा है, इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से रात दिन कई विभागों का काम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि प्राइवेट संस्था के जो काम है वो कोई काम नहीं कर सकते, तो बोले रोजगार सहायक से ऑनलाइन का यह काम करवा लें। तो इन्हें नियमित किया जाना चाहिए, इनका वेतनमान निर्धारण होना चाहिए। वह सरकार ने विगत 12 सालों से इनका शोषण कर रही है। सभी विभागीय कर्मचारी जो 17 संगठन है इस संयुक्त मोर्चा में, सभी की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं करने के लिए सरकार ने हमें बाध्य किए। 22 जुलाई से लेकर के ब्लॉक स्तर पे हम यह आंदोलन करने जा रहे हैं और अनिश्चितकालीन होगा। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, सभी संगठन के भिन्न भिन्न मांगे, सभी मांगों को यदि पूरा नहीं करती तो हम जब पूरा होने तक आंदोलन करेंगे और हड़ताल पे बैठेंगे।